हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील। इस टाटा नेक्सॉन में क्रॉस लिंक का मिनी सिस्टम इंस्टॉल करूंगी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान दिया गया है। पहले मिनी सिस्टम को साइड में रखते हैं। ये रहा इसका पैकेटिंग, इसमें लिखा हुआ है क्रॉस लिंक व्हील और साथ में एक कैमरा फ्री दिया गया है। ये सिस्टम देख लेते हैं। ये रहा मिनी सिस्टम, 10 इंच का है और फुल एंड्रॉयड सिस्टम है। और ये रहा इसका वायरिंग हार्नेस और साथ में कंट्रोलर भी लगा हुआ है। ये रहा वीडियो इनपुट आउटपुट, साथ में इसका माइक का भी कनेक्शन है। ये रहा यूएसबी कनेक्टर। ये रहा इसका माइक, ये माइक है, ये इस जगह में फिटिंग होगा। ये रिवर्स कैमरा का कनेक्शन है। ये कैमरा का कनेक्टर है। ये लॉक बेल और टैप दिया गया है इसमें। अभी पहले देख लेते हैं क्या क्या खोलना होगा। अभी ये जो पैनल है सिल्वर कलर का, ये पैनल खोलना होगा। साथ में हमको ग्लो बॉक्स भी खोलना होगा, ठीक है। ये ग्लो बॉक्स खोलना होगा, आइए पहले खोल लेते हैं। ग्लोव भी खुल गया है। और ये जो डिस्प्ले है, अभी ये डिस्प्ले काम का नहीं है, अभी निकाल लेना होगा इसको, ठीक है। अरे पहले वायरिंग कर लेते हैं, आप लोग देखते जाइए, मैं पहले वायरिंग कर लेता हूँ। ये रहा मेन वायरिंग हार्नेस। ये रहा वीडियो इनपुट आउटपुट का कनेक्टर। ये यूएसबी का कनेक्टर है। अभी ये कैमरा का कनेक्टर है। ये रहा इसका कंट्रोलर। ये रहा इसका जीपीएस। ये रहा इसका एंटीना। ये पीछे का कवर दोबारा खोलना होगा, क्योंकि जो एंटेनर है वो कनेक्ट प्रॉपरली नहीं हो रही है। इसको खोल के प्रॉपर इसको कनेक्ट करना होगा, नहीं तो जो एंटेनर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको खोल के बढ़िया से इसको कनेक्ट करना होगा।
ये रहा इसका इंटीरियर, बस अभी लग गया है। तो कवर के वजह से वो मतलब प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए कवर खोलना पड़ा और फाइनली फिटिंग हो गया है। ये रहा इसका मेन कनेक्शन, ये वीडियो इनपुट आउटपुट, ये यूएसबी का है, ये रिवर्स कैमरा का कनेक्टर है, ये जीपीएस का कनेक्शन है और ये एंटेनियर है। ये रहा मेन कनेक्टर, एक गाड़ी में कनेक्ट होगा। अरे गाड़ी में लगा के देख लेते हैं। फाइनली गाड़ी में फिटिंग हो गई है। और जो ये मी सिस्टम में कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर जो एसबीएससी है, एसबीएससी का ऊपर में दिया गया है। ये रहा कंट्रोलर, ठीक है, ये मी सिस्टम का कंट्रोलर है। और साथ में ये जो बगल में ये है आपका जीपीएस, ठीक है, ये हो गया इसका जीपीएस। ये जो तार है ब्लैक वाइट और एक वाइट है, इसको मी सिस्टम में कनेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका जो ये मी सिस्टम का जो वॉल्यूम, आपका जो एसी का पैनल का बीच में जो वॉल्यूम रहता है, नेक्स्ट वॉल्यूम, ये इसका कनेक्शन है, इसको नहीं लगाने से आपका ये काम नहीं होगा, ठीक है, इसको कनेक्ट करना होगा। ये आपका कंट्रोलर से निकल के आते हैं, कंट्रोलर से आती है, आपका मी सिस्टम में कनेक्ट करना होगा, तभी जाके आपका ये जो बीच में एसी का जो बीच में ये जो वॉल्यूम है अप डाउन, तभी वो कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पहले इसका नीचे में देख लेते हैं। ये रहा इसका मेन कनेक्टर, ये रहा आपका मेन कनेक्टर, ये गाड़ी से आ रही है, ठीक है, गाड़ी से आ रही है, ये हमें कनेक्ट हो रही है। इसके बाद आपका ये जो सिल्वर बॉक्स है इसमें कनेक्ट हो रही है, ठीक है, और एक एक आपका एंड्रॉइड सिस्टम में जा रही है, ये एक एंड्रॉइड सिस्टम में जा रही है, एक आपका ये जो सिल्वर बॉक्स है सिल्वर बॉक्स में कनेक्ट हो रही है, मतलब एक कपलर से मतलब दो मी सिस्टम कनेक्ट हो रही है, ठीक है। वो कनेक्ट होने से ही आपका मतलब मी सिस्टम का जो बीच में जो एसी का बीच में जो स्विच है वॉल्यूम है, तो तभी जाके ये काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये इमेज सब देख लीजिए, ये जो कनेक्शन है, तो हमने इमेज ऊपर में दे दिया हूँ, क्योंकि ये जो स्विच है ये कनेक्टर लगाने से आपका ये स्विच काम होगा, नहीं तो आपका ये काम मतलब नहीं करेगा, ठीक है। जब का एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर से मतलब मी सिस्टम में कनेक्ट करना होगा, तभी जाके ये जो बीच में रहता है आपका वॉल्यूम नेक्स्ट, तभी जाके ये काम करने लगेगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये आपका कंट्रोलर से आ रही है, ये जो व्हाइट और एक ब्लैक व्हाइट है, ये एकदम कंट्रोलर से निकल के आ रही है, मतलब मी सिस्टम में इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। आइए पहले एक बार देख लेते, अभी देखिएगा, ये देखिए अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी देखिए वॉल्यूम कम भी हो रही है, ठीक है। को उस कनेक्शन लगाना होगा तभी जाके ये काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। और इसको तो आपको स्टेरिंग लाइन भी करना होगा, तब जाके ये आपका स्टेरिंग व्हील से ये काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए स्टेरिंग में भी काम कर रही है, मैनेज भी काम कर रही है, प्लस भी काम कर रही है, मतलब बढ़ भी रहा है कम भी हो रही है, ठीक है। ये देखिए अभी बढ़ रहा है, ठीक है, ये पूरा काम कर रही है। और इसका साथ ये जो हमने जो ये आपको कलर बताया हूँ, दोबारा फिर देख लीजिए, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये एक व्हाइट होगा, एक व्हाइट एंड ब्लैक होगा, ठीक है, इसको आप कनेक्ट करना होगा, देख लीजिए किस जगह में इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको कनेक्ट करने से ही आपका ये जो बीस वाला जो वॉल्यूम है तभी जाके वो काम होगा, नहीं तो आपको काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मैनुअल बुक में भी आता भी नहीं है, देख लीजिए फाइनली हो गया मेरा काम। अभी ग्लोबॉक्स ग्लोबॉक्स लगा के फिनिशिंग कर लेता हूँ, तब तक आप लोग देखते जाइए। फाइनली कंप्लीट हो गया गाड़ी, ठीक है, अभी टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये अभी देखिए ये वॉल्यूम कम भी हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो रही है, वॉल्यूम कम भी हो रही है। वो कनेक्शन आप लोग मत भूलिएगा जब फिटिंग कीजिएगा, नहीं तो आपका ये जो वॉल्यूम है काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए स्टेरिंग व्हील में भी काम कर रही है, ये देखिए, ये अभी हम कम कर रहा हूँ, ये देखिए कम भी हो रही है, ओ सॉरी, ये देखिए ज़्यादा भी हो रही है, ठीक है। अभी मतलब स्टेरिंग व्हील से भी कम कर रही है, और ये जो एसी का पैनल का जो बीच में है वॉल्यूम, ये भी कम कर रही है, ठीक है। वो कनेक्ट आपको लगाना होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। हम इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए जितना ये नीचे में जितना आपका फंक्शन दिया गया है कम्प्लीटली अभी वर्क कर रही है।
ठीक है। देखिए बैक भी हो रही है, नेक भी हो रही है। देखिए फाइनली सब फिटिंग हो गया, ग्लो बॉक्स भी लगा दिया हूँ और ये जो आपका सिल्वर कलर का जो पैनल है वो भी फिटिंग हो गया। अभी ये गाड़ी डिलीवरी होने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।